वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड़िया शिदादी 747। तो जैसा कि मैं आपको पहले, ये हैं जी माल्टा के पील्स, तो माल्टा के छिलके हैं जिनको मैं पहले भी आपको मतलब शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इनको खुश्क करने के तरीका जो है ना वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी जो है मैंने ये तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, तो उसके बाद जो है ना मैंने इनको जो है ना खुश्क कर लिया है। और इनकी अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको ना शेडो में मतलब करना है, डायरेक्ट धूप में जो है ना इनको खुश्क नहीं करना। तो मैंने इनको शेडो में ना जहाँ से बिल्कुल हल्की या छिन छिन के धूप आती थी मैंने वहाँ पे इनको रखा हुआ था, जहाँ से मतलब धूप की अच्छी खासी हीट जो है ना इनको मिल रही थी। तो ये मतलब अब ये देखिए खुश्क हो चुके हैं, इस तरह से ये टूट रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी इस तरह से टूट रहे हैं, ये खुश्क हो चुके हैं। तो मैंने आपसे जैसे कि बात किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि खुश्क करने के बाद मैंने कैसे इनको स्टोर करना है। तो इनको स्टोर करने छान लिया, बिल्कुल बारीक निकाल लिया मैंने, जो थोड़ा मोटा था वो अलहदा कर दिया मैंने ना, वो हाथों पैरों की कोई एड़ियों वगैरह की स्क्रबिंग के लिए काम आ जाएगा। तो बाकी ये जो है इसको मैं अब इस कंटेनर में आपके सामने इसको मैं डाल लेती हूँ, इसके अंदर करके बल्कि डालूंगी कि नीचे ना गिरे। इस तरह से इसको हम स्टोर कर लेंगे। और अभी मैं आपको एक रेमेडी भी देती हूँ फेस ग्लोइंग के लिए, ठीक है, स्पेशली एक्नी के लिए, जो कि मैंने पहले भी बोला है एक्नी के लिए बहुत ही कारामंद नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये आपकी फेस पैक बनेगा। इसको अगर आप शामिल करेंगी अपने फेस पैक्स में तो ग्लोइंग के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, फ्रैकल्स के लिए,
आप इसको यूज करें लगातार, हफ्ते में 2 दफा आप कम से कम कोई भी फेस पैक बनाएं, बेसन के साथ बनाएं, हनी के साथ बनाएं, हल्दी के साथ बनाएं, तो इसको जो है ना मतलब आप उसमें शामिल करें। ये बाकी का जो है ना वो मैं किसी और कंटेनर में जो है सेव कर लूंगी। अभी इसमें से कुछ जो है ना वो मैं जो रेमेडी बताती हूँ उसमें यूज़ करेंगे। इसको हम एयर टाइट करके साइड पे रख देते हैं। बाकी ये जो हमारा थोड़ा सा रह गया है ना, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर है, तो ये 1/2 टीस्पून जो है ना ये मैं अपने फेस पैक में यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ फेस पे अप्लाई करना है, तो इसलिए ये मैं इसमें शामिल करूँगी। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है वो मैं आपको बताती हूँ जी। तो उस जो मैं आपको रेमेडी बताने लगी हूँ उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए जी ताज़ा दूध चाहिए, होल मिल्क क्रीम जो है ना वो हमें दूध चाहिए, साथ में ये जो है मैंने वो ऑरेंज के छिलके का जो पाउडर बनाया था वो मैंने ले लिया, 1/2 टीस्पून है ये तो स्पून है ना, बिल्कुल छोटा सा मिक्सचर, तो ये वाला जो 1/2 टीस्पून मैंने ये ले लिया है पाउडर, साथ में ये जो है मेरे पास है बेसन, ठीक है, साथ में है विटामिन ई कैप्सूल। जिनकी ऑयली स्किन है वो बेशक इसको यूज़ ना करें, क्योंकि दूध जा रहा है, और ऑयली स्किन वाले जो हैं वो दूध की जगह जो है ना वो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो रोज़ वाटर की जगह मिल्क यूज़ करें, और साथ में विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसमें जो है ये 1/2 टीस्पून ये लूँगी, साथ में मैं जो है जितना मुझे रिक्वायर हुआ पेस्ट अच्छा सा बनाने के लिए, ओहो उतना मैं ये डालूंगी। टू टीस्पून तो गया इसके अंदर, बाकी इसको मैं मिक्स करती हूँ, जितना फिर हमें मजीद ज़रूरत हुई हम उसको लेके तो मिक्स कर लेंगे। अभी मैं 1 टीस्पून इसके और अंदर शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करना कि मुंह पे लगाएं और जो है ना वो बिल्कुल नीचे ही गिरने लग जाए। अभी थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जो है ना मैं वो और शामिल करती हूँ, ताकि ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए, और इसको सिर्फ जो है ना क्लॉकवाइज इस तरह घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, क्योंकि इसमें वो गुटलियाँ बन जाएंगी और वो अच्छे से फिर जो है ना फाइन पेस्ट नहीं बनेगा। इसको सिर्फ क्लॉकवाइज घुमाना है और इस तरह से पेस्ट जो है वो अपना रेडी कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे तो विटामिन ए का कैप्सूल शामिल कर लें जो ड्राई स्किन वाले हैं, नहीं तो आप सिर्फ दूध जो है उसको ही शामिल करें, और जो है ऑयली स्किन वाले वो तो बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें। विटामिन ई का कैप्सूल ऑयली होता है, तो आप जो है इसकी जगह पर रोज़ वाटर इस्तेमाल करें। तो इनको मिक्स कर लें और ये हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। इस पेस्ट को हमने जो है 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पर लगा के इसको छोड़ देना है। जब से जैसे वो खुश्क हो जाए तो हल्के हाथों से आप रोज़ वाटर लगाएं, तो रोज़ वाटर लगा के उसको मतलब स्प्रे करें अपने फेस के ऊपर, और उसको आस्ता आस्ता से रब करते हुए उसको उतारें, ठीक है। उसके बाद आप जो है उसको नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे इसके फ़ायदे जो हैं वो मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।